नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जो है उपमा अलंकार जो है उसके चार जो है साधारण धर्म जो हैं उस साधारण धर्म के बारे में पढ़ा था कि उपमा अलंकार में चार जो है अंग पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला अंग जो बताया था साधारण धर्म यानी उपमा अलंकार में ये जो चार चीज है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसके बारे में कल जो है चर्चा की थी कि ये उपमा अलंकार के चार साधारण धर्म होते हैं। इसको पुनः एक बार जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुख कमल के समान सुंदर है, जैसे जैसे मुख कमल के समान सुंदर है, मुख कमल के समान सुंदर है। तो इसमें जो है मुख जो है वो मुख उपमेय है और कमल जो है वो उपमान है, कमल इसमें उपमान है और के समान वाचक जो शब्द है ये वाचक है और सुंदर ये जो है साधारण धर्म है, ये साधारण धर्म है। यानी जैसे मुख कमल के समान सुंदर है तो मुख जो है इसमें उपमेय है, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाए वो हो गया उपमेय, जिससे की जाए वो हो गया उपमा, जिससे की जाए यानी जिस वस्तु से की जाए वो हो गया उपमान, और के समान जो है वाचक शब्द हो गया, क्या हो गया वाचक शब्द, और सुंदर जो है वो है साधारण धर्म, यानी सुंदर जो है वो कमल भी है और सुंदर जो है मुख भी है, यानी सुंदरता जो है वो दोनों में पाई जाती है। तो ये हो गया साधारण धर्म। तो उपमा अलंकार के मैंने ये अंग आपको बताए थे, समझाए थे। अब उपमा अलंकार के जो हैं भेद देखते हैं, उपमा अलंकार के भेद परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपमा अलंकार जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये उपमा अलंकार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता रहा है। अब उपमा के भेद या प्रकार, उपमा अलंकार के भेद या प्रकार, उपमा अलंकार जो है पहला जो इसका भेद है वो भेद है पूर्णोपमा, पहला भेद है इसका पूर्णोपमा अलंकार। उपमा अलंकार का पहला भेद है पूर्णोपमा अलंकार, यानी इस जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इन चारों का शब्दों में उल्लेख हो तब पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी पूर्णोपमा अलंकार कहाँ होता है, जब चारों जो अंग हैं वो चारों अंग किसी वाक्य में देखने को मिलते हैं वहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होता है। यानी उसमें उपमेय भी होगा, उसमें उपमान भी होगा और उसमें वाचक शब्द भी होगा और उसमें साधारण धर्म भी होगा।
चारों जो है उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों जिस वाक्य में पाए जाते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बार बार एक ही जो है उदाहरण देकर के चीज को समझा रहा हूँ कि मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल जैसा सुंदर है। इस वाक्य में मुख जो है उपमान भी पाया जा रहा है, उपमान भी उपमेय भी पाया जा रहा है, और उपमान कमल जो है वो उपमान है, उपमान भी पाया जा रहा है, और जैसा जो है वाचक शब्द है तो ये वाचक शब्द भी इसमें मिल रहा है, और सुंदर है वो साधारण धर्म है तो सुंदर भी जो है इसमें पाया जा रहा है। तो यहाँ जो है पूर्णोपमा अलंकार होगा, यानी उपमा अलंकार के चारों अंग जिस वाक्य में पाए जाते हैं वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि उपमा के चारों अंग विराजमान है, अर्थात इसमें उपमेय मुख और उपमा कमल, उपमान कमल और वाचक शब्द जैसा और साधारण धर्म सुंदर है, चारों अंगों से पूर्ण होने के कारण यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। हम अन्य जो है उदाहरण के रूप में भी अगर देखें, कोमल कुसुम समान देह हुई तप्त अंगार वही, यानी कोमल कुसुम समान देह हुई तप्त अंगार वही, इस उदाहरण में पूर्णोपमा है क्योंकि इसमें देह जो है वो उपमेय है, देह जो है उपमेय है, और कुसुम जो है उपमान है, और समान वाचक शब्द और है, और कोमल साधारण धर्म है, यानी कोमल कुसुम समान देह, कोमल कुसुम, कोमल कुसुम समान देह, समान देह है, देह है, हुई तप्त अंगार वही, हुई तप्त अंगार वही, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में जो है कोमल जो है देह जो है, देह जो है वो है उपमेय, और कुसुम जो है वो कुसुम है उपमान, कुसुम है उपमान, और समान जो है ये इसका हो गया वाचक शब्द, और कोमल जो है वो कोमल इसका हो गया साधारण धर्म। तो इस वाक्य में क्या कुछ इस उदाहरण में भी उपमा अलंकार के चारों अंग विराजमान है, इसलिए यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। दूसरा उपमा अलंकार का जो भेद है वो है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा दूसरा अलंकार का भेद है। पहला जो था पूर्णोपमा अलंकार, दूसरा जो था वो था लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इन चारों में कोई एक या दो या तीन लुप्त हो, यानी चारों अंग मैंने आपको बताया उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनमें से एक या दो या तीन जो है लुप्त हो, ये पाए नहीं जाते हैं वहाँ पर लुप्नोपमा अलंकार पाया जाता है। जैसे मुख कमल जैसा है, जैसे मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है, इसमें हम देखते हैं कि मुख जो है वो उपमेय हो गया, उपमेय हो गया,
और कमल जो है ये उपमान हो गया, और जैसा जो है वो वाचक वाचक हो गया। तो इसमें जो है साधारण धर्म जो था, वो साधारण धर्म जो है वो इसमें लुप्त है, वो पाया नहीं जाता है। इसमें तीन अंग, एक अंग यह है, दूसरा अंग यह है और तीसरा अंग यह है। तो एक जो है चौथा अंग जो है साधारण धर्म, वो इसमें जो है लुप्त है। यहाँ साधारण धर्म सुंदर का शब्द द्वारा उल्लेख नहीं किया है, अतः साधारण धर्म नामक एक अंग के लुप्त होने के कारण यहाँ पे लुप्तोपम अलंकार है। अन्य उदाहरण के रूप में भी अगर हम समझें, उन पर जिसके है सोती मुक्ता वाला, वह नव नलनी से नेत्र वाला कहाँ है। इस उदाहरण में भी साधारण धर्म सुंदर लुप्त है। दूसरा, अगर अपन और एक उदाहरण लेकर के देखें कि कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, अन्य उदाहरण के रूप में अपन देखें, अन्य उदाहरण के रूप में हम देखें कि पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, पुलिस पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, विलपत लखन सिए सब रानी, विलपत विलपत लखन लखन सिए सिए सब रानी सब रानी। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि कटुवाणी उपमेय है, कटुवाणी कटुवाणी या कटुवाणी जो है उपमेय है, और पुलिस जो है वो उपमान है, पुलिस उपमान है। पुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, यानी कटुवाणी जो है वो उपमेय है। कटुवाणी का संबंध यहाँ उपमान से किया जा रहा है। विलपत लखन सिए सब रानी, तो कठोर जो है इसमें साधारण धर्म है, कठोर इसमें क्या है साधारण धर्म है, अतः यहाँ वाचक जो है वो लुप्त है। वाचक जो है क्या है इसमें, इस उदाहरण में वाचक जो शब्द है वो वाचक जो है वो लुप्त है, इसलिए यहाँ पे लुप्तोपम अलंकार है। तीसरे उपमा का जो है एक उदाहरण और उसका लुप्तोपमा का और भी हम देख सकते हैं। लुप्तोपमा का एक उदाहरण जो है हम और भी देख सकते हैं कि पानी के रा बुदबुदा आसमानुष की जात, यानी पानी के रा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा बुदबुदा अस मानुष की जात, यानी इसमें यह बताया गया है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, यानी मानुष की जो जात है, मनुष्य की जो समानता है, वो पानी केरा यानी पानी जैसा बुदबुदा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। तो अस मानुष की जात जो है वो उसमें उपमेय है, और पानी केरा जो है वो इसमें उपमान है, और केरा जो है इसमें वाचक शब्द है। ये जो है यहाँ पे लुप्तोपम अलंकार है। तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा जो इसका प्रकार है उपमा अलंकार का, वो है मालोपमा। तीसरा जो प्रकार है उपमा अलंकार का, जो तीसरा भेद है वो है मालोपमा, मालोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार में
जब उपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान वर्णित हो तब वहाँ उपमालोपमा अलंकार होता है। यानी क्या है, एक उपमेय में, एक उपमेय में, एक उपमेय में अनेक अनेक उपमान वर्णित हो, यानी वहां पे मालोपमा अलंकार में क्या है कि उपमेय तो एक है, उपमेय क्या है वो एक है, लेकिन उसके जो उपमान है वो उपमान क्या है अनेक है। यानी एक ही वस्तु की हमने अनेक उपमानों के माध्यम से हमने तुलना की है। यानी एक उपमेय है, जैसे मुख है, मुख एक उपमेय हो गया, और इस मुख उपमेय की अनेक जो उपमान है, जैसे इस मुख की जो है मैं तुलना जो है कमल से भी कर दूं, और जो है इसकी तुलना मैं चंद्रमा से भी कर दूं, तो यहाँ कमल और चंद्रमा दो उपमान हो गए, दो उपमान हो गए। एक उपमेय है, एक उपमेय क्या है मुख है, उसी मुख की जो है तुलना जो है दो उपमान या दो से अधिक या अनेक उपमानों के माध्यम से की जाती है, तो वहाँ पे जो है मालोपमा अलंकार होता है। यहाँ विशेष बात ये देखने की है कि मालोपमा एक प्रकार का उपमा अलंकार ही है, और अंतर इतना ही है कि उपमान उपमा में उपमान एक ही होता है और मालोपमा में उपमान अनेक होता है। यानी उपमान जो है वो क्या होता है अनेक होते हैं। उपमान यहाँ पे क्या है, उपमेय जो है एक है, लेकिन उपमान क्या है अनेक होते हैं, वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको समझें, उदाहरण के तौर पर समझें कि मुख चंद्र और कमल के समान है, मुख कमल और चंद्र के समान सुंदर है। यानी एक जो है मुख जो है वो एक उपमेय है, लेकिन इस मुख की जो है समानता जो है, मुख की जो समानता है वो कमल से भी की गई है और चंद्र से भी की गई है, चंद्रमा से भी की गई है, तो यहाँ पर जो है दो उपमानों का प्रयोग किया गया है। यानी इसकी मुख की जो है अत्यधिक सुंदरता बताना, मुख की अत्यधिक सुंदरता बताना, यानी मुख जो है कमल के समान भी सुंदर है और चंद्रमा के समान भी सुंदर है, तो मुख की तुलना या मुख की जो समानता है दो उपमानों के माध्यम से की गई है, तो यहाँ पर जो है मालोपमा अलंकार है। चौथा जो इसका जो भेद है, चौथा उपमा अलंकार का जो भेद है वो है उपमेयोपमा, उपमेयोपमा चौथा उपमा अलंकार का भेद है उपमेयोपमा, उपमेयोपमा, उपमेयोपमा। जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उपमा दी जाए, जब उपमेय और उपमान को, यानी जब जब उपमेय उप में वह उपमान की उपमा एक दूसरे से की जाए, जब उपमेय और उपमान की जो है उपमा एक दूसरे से की जाए, यानी उपमेय को उपमेय को उपमान के समान ही बताया गया है और उपमान को उपमेय के समान ही बताया
जाता है, यानी उपमेय और उपमान इन दोनों की एक दूसरे से उपमा दी जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जाए, वहाँ पर उपमेयोपमा अलंकार होता है, उपमेयोपमा अलंकार होता है। सीधी सी बात यहाँ पे यह है समझने वाले कि उपमेय और उपमान दो साधारण जो है अंग है उपमेय अलंकार के, दो अंग मुख्य दो अंग हैं। तो इसमें जो है उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, उपमेय से उपमान से की जा रही है, और उपमान की जो तुलना है वो उपमेय से की जा रही है, यानी एक दूसरे की आपस में तुलना की जा रही है या उपमा दी जाती है। यानी जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे से उपमा दी जाए, जब उपमेय उपमान की उपमा एक दूसरे से की जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान के समान बताकर, उपमेय को उपमान के समान बताकर, समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के समान बताया जा रहा है, उपमान को उपमेय के समान बताया जा रहा है, यानी एक दूसरे को एक दूसरे के समान बताया जाना, वहां पर उपमेयोपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो मुख सोहत शशि ओ अरु, तो मुख सोहत है शशि सो अरु सोहत है शशि तो मुख जैसो, सोहत है शशि तो मुख जैसो। यहाँ मुख जो है वो उपमेय है, तो मुख सोहत मुख क्या है उपमेय है, और शशि जो है वो उपमान है, यानी मुख जो है वो क्या है उपमेय है, और शशि जो है वो शशि उपमान है। तो एक बार यहाँ पे तुलना मुख की उपमेय के साथ उपमान के साथ की जा रही है, यानी मुख जो है उपमेय है, इस उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जा रही है। फिर यहाँ जो उपमान है शशि, इस शशि की तुलना उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है। यानी इस उदाहरण में तो मुख सोहत है शशि, सो अरु, सोहत है शशि तो मुख जैसो, यानी पहले मुख जो है वो उपमेय है, उसकी तुलना उपमान से की जा रही है, और फिर उपमान की तुलना उपमेय से की जा रही है, वहाँ पर जो है उपमेयोपमा अलंकार होता है। यहाँ आपका जो है उपमा अलंकार जो है वो खत्म होता है। अगला जो अलंकार है वो हम अगली कक्षा में जो है देखेंगे। आप जो है अगला अलंकार जो है वो आपका है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ये अर्थालंकार का एक भेद है, कल जो है हम इस रूपक अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।